हाय गाइस, मैं निकला और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप कैसे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन एस्टेब्लिश मींस कि आप अपने पर्टिकुलर सिस्टम से आप किसी भी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी अदर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। विंडोज ने आपको ये फीचर ऑटोमेटिकली इनबिल्ट फीचर दिया हुआ है। तो कैसे इस फीचर का यूज करेंगे, सबसे पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन आप देख लीजिए। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पीसी वन का आइकन यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखा है डेस्कटॉप पे। यानी कि अगर आप जिस भी सिस्टम से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लाइक सपोज आप एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपको टाइम टू टाइम मल्टीपल पीसी को रिमोटली एक्सेस करके उनको चेक करने की नीड पड़ती है, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं जिनको आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप नंबर ऑफ सिस्टम को उनके नेम से यहां पे उनका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पे एक मेरे पास डेस्कटॉप है, उसका मैंने एक यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट किया हुआ है और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ये डायरेक्ट उस सिस्टम से कनेक्ट होने की कोशिश करेगा जिसका मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर सिस्टम का पासवर्ड, यहाँ पे पर्टिकुलर सिस्टम में पर्टिकुलर यूजर अगर आपको एक्सेस करना है तो आप पर्टिकुलर यूजर के हिसाब से आप वहाँ पे उसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत खास बात है, एक सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको इस किसी पर्टिकुलर यूजर का अकाउंट ही एक्सेस करना है तो आपको उसके हिसाब से सेटिंग बनानी पड़ेगी, वो अभी आपको पता चल जाएगा। अभी आप देखिए, ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरा डेस्कटॉप है। यहां पे मैंने पासवर्ड एंटर करा, एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, डेस्कटॉप की स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक हो गई है और उसकी जो स्क्रीन है वो अब मेरे लैपटॉप में आने वाली है, ठीक है। यानी कि जब मैं रिमोटली एक्सेस करूंगा तो जो टारगेट कंप्यूटर है उसकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी, पर्टिकुलर टाइम में जो टारगेट सिस्टम का यूजर है वो अपनी स्क्रीन को यूज नहीं कर पाएगा, कंप्लीट कंट्रोल जो एक्सेस कर रहा है उसके पास रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप में विंडोज 11 की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे ओपन हो गई है, जबकि मैं लैपटॉप में विंडोज 10 यूज कर रहा था। अब चलिए देखते हैं कि अब इस ट्रिक को, यानी कि इस प्रोसेस को फॉलो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको टारगेट कंप्यूटर में कुछ सेटिंग्स करनी होती है। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो खास तौर से विंडोज 10 और विंडोज 11 यूजर्स के लिए, क्योंकि विंडोज 10 और विंडोज 11 में आपको इनबिल्ट फीचर मिलता है, ठीक है, जिसका नाम होता है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, ठीक है। अब इसको आपको यूज कैसे करना है, सबसे पहले टारगेट सिस्टम में आपको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन आपको ऑन करना होगा। वो आप कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, देन सिस्टम में जाएंगे, देन यहां पे आपको मिलेगा रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप को आपको यहां पे ऑन कर देना है, चाहे विंडोज 10 हो चाहे विंडोज 11 हो, ठीक है, लगभग आपके पास सेम स्टेप्स रहेंगे। तो ऑन करके आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपकी ये सेटिंग हो जाती है कंप्लीट, यानी कि सर्वर एक यहां पे क्रिएट हो जाएगा, सर्वर एक्सेप्ट कर सकता है अदर कनेक्शंस को, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। क्लोज करने के बाद अब यहां पर एक चीज और जानने की जरूरत है, इस टारगेट सिस्टम का एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस। आप इसमें आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप टारगेट सिस्टम का आईपी एड्रेस भी नोट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे विंडो प्लस आर दबाया, सीएमडी टाइप करा, आईपी कॉन्फिग यहाँ पे लिखा, और आईपी कॉन्फिग लिखने के बाद यहाँ पर आपको पर्टिकुलर आईपी एड्रेस नोट कर लेना। तो आप देख सकते हैं ये IPv4 एड्रेस नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हैं तो वाईफाई वाला IPv4 एड्रेस लेंगे, आप लैन के थ्रू कनेक्टेड हैं तो लैन वाला IPv4 एड्रेस लेंगे, यानी कि आप इंटरनेट जिस भी सुविधा से आप यूज कर रहे हैं वो वाला आप IPv4 एड्रेस ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे IPv4 एड्रेस यहाँ पे नोट कर लिया है। इसके बाद एक सेटिंग जो आपको बसती है टारगेट कंप्यूटर में करने के लिए, तो वो कौन सी सेटिंग होगी चलिए देख लेते हैं। आपको जाना है विंडो प्लस आर दबा के और यहाँ पे टाइप करना है compmanagement.comp.mgmt.msc, ठीक है। यहाँ पर इस सेटिंग में हम एक पर्टिकुलर यूजर को असाइन करने वाले हैं कि भाई इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर सपोज अगर आपको पता है कि पर्टिकुलर सिस्टम में कितने यूजर्स हैं और उस पर्टिकुलर यूजर का पासवर्ड क्या है, तब तो ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, ये चीज जो मैं आपको ये स्टेप बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप पासवर्ड असाइन करेंगे कैसे, यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा लोकल यूजर्स एंड ग्रुप, आप यूजर्स में जाएंगे और यहां पर आपकी जो टारगेट कंप्यूटर है उसमें सभी जितने भी यूजर्स हैं वो यहां पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, B2D टैग, BustDee टैग, डिफॉल्ट अकाउंट, गेस्ट अकाउंट और WADG यूटिलिटी अकाउंट यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर सपोज मैं चाहता हूं कि मैं B2D टैग जो यूजर अकाउंट है उसको रिमोटली एक्सेस कर पाऊं, तो यहां पर मैं इस अकाउंट पर एक पासवर्ड सेट कर देता हूं, राइट क्लिक करूंगा इस पे, ठीक है। राइट क्लिक मैंने किया, सेट पासवर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक किया, देन यहाँ पे न्यू पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड आप यहाँ पे असाइन करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर्टिकुलर यूजर
अकाउंट को एक्सेस करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पासवर्ड सिक्योरिटी के लिए आपको पासवर्ड यहाँ पे असाइन करना होगा। आप बाकी जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करते चलेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप अगेन ओके पे क्लिक कर देंगे। ये टास्क मैंने इसलिए परफॉर्म किया क्योंकि मेरे यूजर अकाउंट में कोई पासवर्ड सेट नहीं था, लेकिन अगर आपके यूजर अकाउंट पे पासवर्ड सेट है तो आपको करने की जरूरत नहीं है वापस से सेट। आप उस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट और उसका पासवर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको जस्ट इतना करना है टारगेट सिस्टम में। टारगेट सिस्टम में ये सेटिंग करने के बाद अब हम चलते हैं अपने पर्सनल सिस्टम में। ठीक है, यहां पर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन फीचर को यूज करने के लिए आप विंडो प्लस आर दबाएंगे और विंडो प्लस आर दबाने के बाद आप उसमें एक कमांड लिखेंगे MSTSC। ठीक है, जस्ट ये रन कमांड में लिखेंगे और आप एंटर बटन प्रेस कर देंगे। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे शो ऑप्शन से एक्सपेंड कर लेता हूँ, यहाँ पे और ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कंप्यूटर और यूजर नेम। तो कंप्यूटर में आप टारगेट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, अगर आपने कोई नाम असाइन नहीं कर रखा है आईपी एड्रेस का तो आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, जिससे कि डायरेक्ट टारगेट पर हिट किया जा सके, उसको रिमोटली एक्सेस किया जा सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट टारगेट कंप्यूटर का आईपी एड्रेस यहां पे लिख रहा हूं, जो मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था। नेक्स्ट जो यूजर नेम मैंने आपको बताया था B2D टैग को मैं यहां पे एक्सेस करने वाला हूं, तो उस पर्टिकुलर यूजर नेम को मैंने यहां पे लिखा। देन मैं चाहता हूं कि डेस्कटॉप पे इसका आइकन क्रिएट कर दूं। आप चाहें तो डायरेक्ट यहां पे कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेस्कटॉप पे आइकन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव एज पे क्लिक कर देता हूं, जिससे कि मुझे बार बार ये चीजें एंटर करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, पर्टिकुलर सेटिंग के साथ ये चीज सेव हो जाएगी, यहां पे डेस्कटॉप पे एक आइकन आ जाएगा। तो मैं यहां पे डेस्कटॉप पे उस पीसी का नाम लिख के या फिर जो भी आप पीसी 1, 2, 3 के हिसाब से असाइन करना चाहते हैं तो वो आप यहां पे लिख देंगे और सेव कर देंगे। तो डेस्कटॉप पे एक आइकन यहां पे आ गया, आप देख सकते हैं पीसी 1 का। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं इस विंडो को, आपकी सेटिंग्स के साथ यहां पे एक रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का आइकन आ गया। इस पे डबल क्लिक किया, कनेक्ट पे क्लिक किया। मैंने कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये मेरे टारगेट सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे इस पर्सनल सिस्टम में इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो है ही नहीं। तो चलिए पहले मैं इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ, तभी कनेक्ट होगा, बिना इंटरनेट के तो कनेक्ट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। देखिए इंटरनेट कनेक्शन नहीं था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ गया। तो मैं वापस से इसको ओके दबाता हूँ, वापस से कनेक्शन करता हूँ, क्योंकि अब इंटरनेट से कनेक्ट कर चुका हूँ मैं। वापस से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं टारगेट कंप्यूटर का पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। तो जो पासवर्ड हमने असाइन किया था या फिर पासवर्ड जो है टारगेट कंप्यूटर के यूजर का, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर किया और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टारगेट कंप्यूटर है, जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, वो यहाँ पे लॉक हो गई है और जो विंडोज 11 है वो यहाँ पे लॉग इन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लॉग्ड स्क्रीन को अनलॉक करने की कोशिश करूंगा तब यहाँ पे क्या होता है देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉग्ड स्क्रीन को अनलॉक करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा मेरे पर्सनल सिस्टम से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया। दैट मीन कि यहाँ इसके लिमिटेशन है कि जब टारगेट कंप्यूटर को आप एक्सेस करोगे तो उसकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। ठीक है, मैं वापस से यहाँ पे आपको एक्सेस करके बताता हूँ। ठीक है, वापस से पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ मैं, वापस से एक्सेस करके मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे विंडोज 11 को, जो मेरे टारगेट सिस्टम है, उसको यहाँ पे विंडोज 10 में एक्सेस करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 11 यहाँ पे मैं यूज कर पा रहा हूँ और कंप्लीटली पूरी तरीके से मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें मैं टारगेट सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे आप ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखा आ रहा है टारगेट सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी इस विंडो को मिनिमाइज भी कर सकता हूँ जिससे मैं अपना सिस्टम यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, अगर मुझे वापस से टारगेट सिस्टम पे वर्क करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टारगेट सिस्टम को इस तरीके से एक्सेस कर पा रहे हैं और उसकी फाइल्स भी एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली आप एक्सेस कर पाते हैं। और वापस से अगर आप अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाता है, यू हैव बीन डिसकनेक्टेड बिकॉज अनदर कनेक्शन वॉज मेड टू द रिमोट कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम के फीचर का यूज कर सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए। आई होप कि जो जानकारी है रियर जानकारी है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हम इस टूल का, हम इस फीचर का यूज नहीं कर पाते। आई होप कि आप अब
रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन के लिए अगर आपको ये फीचर यूज करना है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अपने स्कूल कंप्यूटर में, ऑफिस कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में आप ये चीज डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और आई होप कि आपके कहीं ना कहीं काम भी आएगा। वीडियो और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।